हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर एस के सिंह आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम वी एस मेडिकल कॉलेज सो आज मैं अनैडमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही बड़ा चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर है इम्पॉर्टेंट है और इसे ट्राई करूंगा मैं बीस से पच्चीस मिनट में, में ख़त्म कर सकूँ पहली बार इस चैनल में आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे बेहतरीन वीडियो को कभी भी मिस ना करें आ, जो भी नोट्स होंगे ये मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर आपको ज्वाइन हो जाना चाहिए मैं अकेडमी पे हर दिन सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे फ्री लाइव मॉक टेस्ट कराता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एन पे बेस्ड रहते हैं बहुत मज़ेदार है तो आप सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे उन अकेडमी फ्री में आ पढ़ सकते हैं और अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोड में डॉक्टर एस के सिंह का इस्तेमाल करके आप डॉक्टर के गाइडेंस में रह सकते हैं और आपको 10 प्रतिशत का छूट भी मिल जाएगा सो एनाटमी ऑफ फ्लारिंग प्लांट एनाटमी होता क्या है एनाटमी का मतलब ये होता है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक जायलम फ्लोयम स्पिड एपिडोमिस हाइपोडोमिस जितनी भी अंदरूनी चीज़ें हैं प्लांट्स के उसको हम एनाटमी कहते हैं तो सारे के सारे सेल्स मिल के टिशू बनाते हैं आप लीनी समझते हैं एंड टिश्यू दे फॉर्म द ऑर्गन ऑर्गन दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम सो टिशू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शंस द मेन ग्रुप ऑफ मैरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिशू दे आर टू टाइप ऑफ सेल्स टिशू द मैरिस्मेटिक टिशू एंड परमानेंट टिशू मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं ऑलवेज डिवाइडिंग इन नेचर होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग थ्रू द लाइफ टाइम इसलिए प्लांट में हमेशा ग्रोथ होता है प्लांट के मरने के एक सेकेंड पहले भी ग्रोथ देखा जाता है अन टिश्यू का मतलब होता है कि यही टिश्यू कन्वर्ट होकर परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं राइट सो मैरिस्मेटिक टिश्यू द द अकर एट टिप ऑफ द रूट इसलिए रूट एलोंगेट करता है शूट एंड प्रोड्यूस अ प्राइमरी टिश्यू दे आर कॉल्ड एपिकल एपिकल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ द एलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड सम सेल्स आर लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट शूट एपिकल एंड दे आर एक्सिलरी बर्ड्स मेरिस्टम्स विच अकर बिटवीन द मेचोर टिश्यू इज नॉन्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टम्स इसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टम्स भी कहते हैं सो दे अकर इन ग्रासिस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग ग्रेजिंग हर्बीवर्स बोथ एपिकल मेरिस्टम्स एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टम्स बिकॉज दे अपीयर ओनली इन द इन द लाइफ एंड द प्लान एंड द कंटिन्यू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लाट बॉडी द मेरिस्टम्स दे अकर इन मेच्योर रीजन ऐसे ऐसे मेरिस्टम जो मेच्योर रीजन में प्रेजेंट होते हैं लाइक द रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट्स दे आर कॉल्ड सेकेंडरी एंड लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं द फेस्ूलर कैम्बियम दैट इज कॉल्ड इंटर फेसिकुलर कैम्बियम कॉर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द लूज द एबिलिटी टू डिवाइड सच इज़ कॉल्ड परमानेंट एंड मेच्योर सेल इन सेल में कभी भी आपको ग्रोथ uh, नहीं देखा जाता है डिवीजन नहीं देखा जाता है दे कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू इज बॉर्ड द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइडेड फॉर द ये आगे डिवाइड नहीं होते हैं द सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिम्पल का मतलब एक या एक, एक या दो सेल से मिलकर बने होते हैं दे आर बॉल सिंपल सेल्स कंप्लेक्स मतलब मोर देन वन जायन फ्लोम आर द वन

दिस सेल आर एसिमुलेट द फूड एंड दे कंटेन द क्लोरोप्लास इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द ग्रोइंग प्लाट पार्टेम पिटियोल ऑफ द लीफ एस्करा के बारे में बात करें तो दे यूजली डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म अगर जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है उसे हम डेड मानते हैं एस्कर मे वी द आईदर फाइबर्स और एसकलो रीज द फाइबर आर थिक वॉल एलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स एंड जनरली अकरिंग इन द ग्रुप इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट स्किल रीड्स आरिकल ओवल एंड सिलेंडिकल एंड हाईली थीकंडल विच इज वेरी नैरो कैविटी विच इज ल्यूमेन कैविटी का मतलब होता है ल्यूमेन दे आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट पल्फ फ्रूट गुआबा पियर सपोटा एंड दिस सीड कोट इन द लेग्यूम लीफ टी इसम आ प्रोवाइडेड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करें जाइलम एंड फ्लोइम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द प्लांट जाइलम के बारे में बात करें

एंड टैपरिंग एंड इनका एंड बहुत टैपरिंग रहता है पूछा जाता है कि वॉटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है तो जायम करता है उस तो जायलम के अंदर कौन करता है तो ट्रकड्स और वेसल्स काम करते हैं प्रेजेंस ऑफ वैसे फ्यूचर ऑफ एनजी फॉर्म एनजीओ का मतलब ना वीव अम फाइबर थिक एंड

रूट ऑफ द प्रोटोजी एंड मेटाजम लाइज टू वच टाइप ऑफ अरेजमेंट इज कॉल्ड एग्जार्ट अरेजमेंट तो ये डिफिनेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रांसपोर्ट द फूड आपको पता है कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है यूजली फ्रॉम द लीफ क्योंकि लीफ इज अ सोर्स एंड द सिंक इज अ रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लोएम इन द इंज फॉर्म कम्पोज ऑफ द सीप ट्यूब फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं कंपीनियन सेल होते हैं फ्लोएम पैरिकमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर्स होते हैं सीप ट्यूब के बारे में बात करें तो दे आर एंड वॉल आर परफोरेटेड परफोरेटेड मतलब खुला रहेगा ताकि फूड का ट्रांसलोकेशन हो पाए सीव लाइक मैनर फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल्स कंपेनियन सेल आर सेल्स दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ताकि वो प्रेशर से खाना मूव कर सके दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंडिकल सेल्स विच हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज द आंसर क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्लोएम पेनिकाम मोस्ट ऑफ द मोनोकॉड एंड फ्लोएम फाइबर्स इज द बेस्ट फाइबर इज मेड अप ऑफ एसनक सेल्स दे आर जनरली एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम एट दिस फाइबर्स लूज द प्रोटोप्लाज्मिकमेड का मतलब है डेड फ्लोएम फाइबर्स जूट फ्लैक्स हेम आर यूज कमर्शियली फर्स्ट फॉम प्राइमरी फ्लोएम Uh, uh, सिस्टम uh, uh, पहले लाइन से क्वेश्चन आया है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी कंप्राइज द एपिडर्मल सेल स्टोमेटा एपिडर्मल अप्राइकोम एंड हेयर जो बाहर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर एपिडर्मल सेल आर पेर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल इज द लार्ज लार्ज वैक्यूल्स होता है आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर विद अ वैक्सी थिक लेयर दे आर कॉल्ड क्यूटिकल बेसिकली लीफ के ऊपर भी होता है द रिड्यूस ट्रांसफरेशन वाटर लॉस को बचाएगा दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर क्यूटिकल इज एबसेंट इन रूट क्योंकि रूट का मेन काम है कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स वहाँ क्यूटिकल होंगे तो पानी कैसे अब्सॉर्ब होगा तो एस्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांस ट्रांसपेरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। इस स्टोमेटा कंपोज़ ऑफ द टू बीन शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गार्ड सेल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा जब गार्ड सेल फुलेगा तो एस्टोमेटा खुलेगा द लॉट ऑफ पोटेशियम आयन इज प्रेजेंट इन साइड द गार्ड सेल देर इज अ इंक्रीज द वॉटर पोटेंशियल इन द गार्ड सेल अगर वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा

थ्री सब जोन होते हैं आउटर जोन को हाइपोडर्मिस कहते हैं दे कंसिस्ट ऑफ द फ्यू लेयर लाइक कॉलिंग सेल्स जस्ट बिलो जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम कॉर्टिकल लेयर द बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द राउंड थिन वॉल पेनकाइमा विच इज कॉन्सिपीशियस इंटरसेलुलर स्पेस मोस्ट लेयर के बारे में बात करें अगर इनरमोस लेयर uh, of the cortex is the endodermis the cell of endodermis are very rich in its starch grains and layer and also refers to the starch sheet the large number of rounded parenchymatous cells with a large uh, intercellular space which occupy the central position which is called pith अब हम स्टेम के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको इसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए है ना बार बार इसे समझना चाहिए द मोनोकोटिस सिस्टम है द स्केलन काइमेटल्स हाइपोहाइपोडेमिस लास्ट नंबर ऑफ स्केलन वास्कुलर बंडल वास्कुलर बंडल कन्ज़ॉइंट क्लोज होता है फ्लोएम पेरिकामा एब्सेंट होता है डॉर्थी बेंट्रल डायक्वाट लीफ के बारे में बात करें तो एपिडर्म में विच कवर द बोथ अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ They carry out the made up of क्योंकि दैरिंग सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट होते, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो लाइट को खींचेगा टू टाइप ऑफ सेल्सिमा स्पॉन्जी पेरिंगर सिस्टमूडर बंडल विच कैन बी सीन इन द मिड रिपेलर बंडल आर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन इन ग्रासिस सॉर्टेन एडक्सियल एपीडर्मल सेल अलॉन्ग विद मॉडिफाइड दम सेल्फ इन टू द लार्ज एम्पटी कलर सेल दे आर कॉल बुलीफॉर्म सेल इसको हम बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करें तो प्लांट एग्जिबिट द इनक्रीज इन द गर्ट कॉल सेकेंडरी ग्रोथ इसको हम सेकेंड्री ग्रोथ कहते हैं द टिश्यू इन्वॉल्व द सेकेंड्री ग्रोथ इज अलेक्ट्रल मेरेस्थम द वैसकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम दिस मेरिस्मेटिक लेयर Can be responsible for the cutting of the vascular tissue and they are called vascular cambium. Now we have an activity of cambium bring the cells cut off toward the pith and mature, and they are secondary xylem, which is cut off toward the periphery and they form a secondary phloem. The cambium is generally more active in the inner side than the outer side. This is important line the amount of secondary xylem produce more than secondary phloem and soon they form a compact mass the cambium form the narrow band parenchyma which poses through the secondary xylem and uh, secondary phloem this uh, uh, that, that that's called radial direction these are secondary medullary rays now spring wood and autumn wood the spring season the cambium is very active they produce a large number of uh, uh, xylem elements having the vessels and wide wider cavity the wood formed during the season is called a spring wood or early wood. Winter is uh, win in the winter. cambium is less active. Or uh, they form a fewer gallery elements and they have a narrow vessels They are called autumn wood or late wood. A spring wood is higher uh, lighter in color lower density. Whereas the autumn wood are dark and the higher density higher density. द एनिमल रिंग आर सी कट अगर आप स्टेम को काटेंगे तो आपको कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विच इजीमेट क्वेश्चन हार्डवुड एंड सैप वु रीजन जब आप स्टेम को काटेंगे तो बीच में आपको डार्क नजर आएगा बाहर लाइट नजर आएगा तो दिस डार्क वन इज कॉल हार्ड वुड लाइट इज सैप वु हार्डवुड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सैप वुड कंडवाइड करता है तो हार्ड वुड नॉट कंडक्ट द वॉट

And epidermis layer get broken and need to replace and provide the uh, new pro protective lay cell layer. Uh, Phalorogen is a couple the couple, uh, the layer is thick, they are made up of narrow, thin uh, wall, nearly rectangular cells. Phalorogen cut off the new cells, both the sides. The outer cell differentiated into the cork ambien. The cork is uh, impervious to water uh, to the suberin deposition to the cell wall. फेलोरोजन फ्लेयम फेलोरोडम आर कलेक्टिवली एज इससे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म विच रेफर्स एक्सटीरियरली बाहर हो वैस्कुलर कैम्बियम के देर फोरूड इन द सेकेंडरी फ्लोएम पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम तो बार्क इज फॉर्म अर्ली इन द सीजन दे आर कॉल अर्ली और सॉफ्ट बार्क टू द एंड ऑफ द सीजन लेट एंड हार्ड वर्क This uh, parenchymatous cells soon rupture, and epidermis forming the lens shape structure is called lenticels. This is important one. lenticel permit the ex gaseous exchange between the outer atmosphere, internal tissue of the stem. That's all. Thank you so much, all of you. Thank you.